हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभुज टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक मोबाइल कवर बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से एक मोबाइल कवर बनाया है मैंने। और यहाँ ऊपर मैंने इस तरह से ढक्कन लगाया है और यहाँ मैंने मैग्नेट बटन लगाया है। तो इस तरह से मैंने मोबाइल कवर बनाया है। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मैंने ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया, जो इस तरह का रेड कलर का एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक है। और उसका माप यहाँ मैंने 7 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 4.5 इंच का लिया है। तो ऐसा दो कटिंग लेना है हमें, और इसी माप की हमें दो रबर सीट कटिंग करनी है। और आपके पास ऐसी रबर सीट नहीं है तो आप फॉर्म सीट भी यूज़ कर सकते हो। और इसी माप का हमें दो अस्तर लेना है, और उसके ऊपर मैं ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा, जो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है, और वो भी हमें दो कटिंग करना है। तो प्लास्टिक लेमिनेशन भी इसी माप का हमें दो कटिंग करना है। और इसमें जो ढक्कन लगाऊंगा, वो ढक्कन का माप यहाँ मैंने 4.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 5.5 इंच का लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है हमें, और एक रबर सीट और एक अस्तर कटिंग करना है हमें। और उसके ऊपर मैं ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा। और आपके पास ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो आप बिना प्लास्टिक से भी आप यह मोबाइल कवर बना सकते हो। यहाँ ऊपर ढक्कन में मैं ऐसा मैग्नेट बटन लगाऊंगा, जो इस तरह का एक मैग्नेट का बटन लिया है मैंने, तो ऐसा एक लेना है हमें। और ऐसे हुक लगाऊंगा, जो इस तरह का हुक है, वो भी हमें एक लेना है। और इसमें जो बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर का माप यहाँ मैंने 17.5 इंच का लिया है। तो 17.5 इंच की एक बॉर्डर लेनी है। उसमें नीचे मैंने अस्तर रखा है, उसके ऊपर रबर सीट रखी है, उसके ऊपर ये प्लेन फैब्रिक रखा है। इस तरह से मैंने बॉर्डर तैयार कर ली है। उसमें पहले हमें ढक्कन बना लेना है। तो पहले हमें रबर सीट रखनी है, उसके ऊपर हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रखना है, और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है इसलिए यहाँ ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है। तो इस तरह से यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट और ये फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब ये ढक्कन का माप यहाँ हमारा 4.5 इंच का है और यहाँ हमारा 5.5 इंच का है। तो इस तरह से यहाँ 4.5 है, तो यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से मोड़ देना है। और यहाँ हमें राउंड शेप दे देना है नीचे, तो यहाँ मैं राउंड शेप में कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ आपको जो अच्छा लगे इस तरह से आप शेप दे सकते हो। तो यहाँ मैं राउंड शेप दे देता हूँ, तो इस तरह से हमें शेप दे देना है। और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो पाइपिंग में ऐसी डोरी लगाऊंगा, जो इस तरह की रच्ची है, और ऊपर ऐसे गोल्डन फैब्रिक लगाऊंगा, जो इस तरह की गोल्डन फैब्रिक की पट्टी है। और ये फैब्रिक के अंदर इस तरह से हमें डोरी रख देनी है, और यहाँ फैब्रिक हमें इस तरह से मोड़ देना है, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें सिंगल पग यूज़ करना है, तो यहाँ मैं सिंगल पग लगा देता हूँ, जो इस तरह का पाइपिंग का ही पग होता है सिंगल। तो ये पग है वो मैं निकाल लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें पाइपिंग लगा देनी है इस तरह से।
अब यहाँ हमें अस्तर लगा देना है, तो अस्तर को हमें यहाँ मैग्नेट बटन लगा देना है, तो यहाँ सेंटर पे हमें मैग्नेट बटन लगाना है, तो यहाँ सेंटर पे निशान कर लेना है और यहाँ हमें वॉल कर देना है, तो यहाँ वॉल कर देता हूँ बटन लगाने के लिए। और अब यहाँ हमें बटन लगा देना है, तो इस तरह से हमें बटन लगा देना है और ये अस्तर हमें इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमें ढक्कन रख देना है। और यहाँ हमने जो पाइपिंग की सिलाई की थी, वहाँ पाइपिंग की सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। और अब यहाँ से हमें इस ढक्कन को पलटा लेना है, तो यहाँ से मैं ढक्कन को पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ भी ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं ढक्कन तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने ढक्कन तैयार कर लिया है। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है, यहाँ हमें हुक लगा देना है, तो हुक में से पट्टी लगा देनी है और यहाँ हमें हुक लगा देना है, तो यहाँ मैं हुक लगा देता हूँ। तो हमने जो सेंटर का निशान किया था, वहाँ सेंटर पर ही हमें हुक लगा देना है, तो यहाँ हमें इस तरह से हुक रख कर सिलाई कर देनी है। और अब हमें पीछे वाला पार्ट ले लेना है, तो उसमें पहले रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें पार्ट रख देना है इस तरह से, और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है हमें। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और अब इसके ऊपर हमें ढक्कन रख देना है, तो इस तरह से यहाँ मैं ढक्कन रख देता हूँ और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें अस्तर भी लगा देना है, तो इस तरह से यहाँ ऊपर अस्तर रख देना है और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और ये अस्तर को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और अब यहाँ भी ऊपर एक हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है, ताकि जो नीचे का अस्तर और यहाँ ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन वो सभी साथ में अटैच हो जाए। दोनों साइड में सिलाई का छोड़ना है इस तरह से, इतना सिलाई का रखना है। और अब हमें पीछे वाला पार्ट तैयार कर लेना है, तो उसमें भी पहले हमें रबर सीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें अस्तर रखना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर ही एक सिलाई करनी है पहले हमें। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है इस तरह से, अंदर मोड़ कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है।
और अब यहाँ भी हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें आगे वाला पार्ट तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने आगे वाला पार्ट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ भी हमें नीचे राउंड शेप दे देना है, तो यहाँ मैं राउंड शेप में कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ हमें थोड़ा ही राउंड देना है इस तरह से, और अब यहाँ भी हमें एक सिलाई कर देनी है। और इतने दूसरे पार्ट के ऊपर हमें ये पार्ट रख देना है इस तरह से, और यहाँ भी हमें राउंड में कटिंग कर लेना है। तो और इसी माप के हिसाब से हमें नीचे का पार्ट भी कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ भी दोनों पार्ट के ऊपर हमें पाइपिंग लगा देनी है, तो यहाँ भी मैं दोनों पार्ट के ऊपर पाइपिंग लगा देता हूँ। जिस तरह से हमने यहाँ पाइपिंग लगाई, इसी तरीके से यहाँ भी हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग लगा देनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं पाइपिंग लगा देनी है, तो यहाँ भी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। दोनों पार्ट के ऊपर ही पाइपिंग लगा देनी है। और अब यहाँ ऊपर में बॉर्डर लगा देनी है, तो बॉर्डर को हमें ऊपर से एक बार मोड़ना है इस तरह से, और अंदर एक बार मोड़ देना है। और अब यहाँ बॉर्डर रखकर हमें सिलाई कर देनी है। हाँ, और अब यहां भी हमें बॉर्डर को अंदर एक बार मोड़ देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें बॉर्डर लगा देनी है, और सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ इस तरह से, ऊपर रखकर यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ बॉर्डर लगा देनी है, और अब यहाँ से हमें मोबाइल कवर को पलटा लेना है। तो यहाँ से इस मोबाइल कवर को मैं पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ भी हमें ऊपर एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं ऊपर एक सिलाई कर दे।
सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे दूसरी पार्ट के ऊपर भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब ये ढक्कन को हमें ऊपर की साइड इस तरह से मोड़ देना है, और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है सामने वाला, तो यहाँ मैं उसका निशान कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा मोबाइल कवर बनकर तैयार हो गया, जो इस तरह से मैंने बना लिया है, बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तरफ मिलती रहे। थैंक यू।